हमारे चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम देखने जा रहे हैं पेरोल मैनेजमेंट इन टैली। हम ये सीखेंगे कि टैली में पेरोल मैनेजमेंट क्या होता है या कैसे होता है। पेरोल मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है पहले ये समझ लें। पेरोल का मतलब होता है कि एम्प्लॉइज़ का जो सैलरी का रिकॉर्ड्स होता है, एम्प्लॉई के सैलरी का जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड होता है, जिसमें एम्प्लॉइज़ का बेसिक सैलरी, हाउस रेंट अलाउंस, डियरनेस अलाउंस, प्रोविडेंट फंड और उसके बाद उसका ग्रॉस सैलरी और नेट सैलरी जनरेट होता है, ये पूरा कार्य हम टैली में कैसे मैनेज करेंगे। मतलब अगर हमारी एक कंपनी है उसमें नंबर ऑफ़ एम्प्लॉई काम कर रहे हैं तो हम उन सारे एम्प्लॉई का पे स्लिप कैसे जनरेट करेंगे, ये आज हम टैली में देखेंगे। तो मान लीजिए पहले हम एक एग्ज़ाम्पल देखते हैं जिसको कि हम टैली में करने की कोशिश करेंगे। तो आपके सामने एक एग्ज़ाम्पल है, जैसे एक कंपनी है इन्फॉर्मेटिक्स प्राइवेट लिमिटेड जो इन सारे एम्प्लॉइज़ का पे स्लिप तैयार करती है। हमने आपका पूरा पे स्लिप का स्ट्रक्चर रखा है जिसमें फील्ड है एम्प्लॉई का आईडी, एम्प्लॉई का नेम, उसका जॉब, एम्प्लॉइज़ का एक बेसिक सैलरी है जो फ्लैट है, उसके ऊपर में उनका हाउस रेंट अलाउंस 20% मिलता है, डियरनेस अलाउंस 120% मिलता है, ट्रैवल अलाउंस फिर 20% मिलता है, पीएफ 25% डिडक्ट होता है। पीएफ मतलब प्रोविडेंट फंड, जो कि आपको पता है कि एम्प्लॉइज़ का प्रोविडेंट फंड कटता है जो उसको ज़रूरत पे या रिटायरमेंट के टाइम में मिलता है। उसके बाद हम ग्रॉस सैलरी देख रहे हैं जिसमें बेसिक सैलरी, एचआरए, डीए और टीए ऐड होता है, और नेट सैलरी जिसमें ग्रॉस सैलरी में से पीएफ डिडक्ट हो जाता है। तो ये हमारा सैलरी स्ट्रक्चर है और जिसे हम लोग को टैली में मेंटेन करना है। तो चलिए हम इसी सैलरी स्ट्रक्चर को बेस करके टैली में प्रैक्टिस करते हैं पेरोल मैनेजमेंट पे। टैली देखिए, आपके सामने टैली का गेटवे ऑफ टैली विंडो ओपन है जिसमें हमने इन्फॉर्मेटिक्स प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी को सेलेक्ट किया। तो ये आपका एक्टिव कंपनी है, इसी में हम लोग पेरोल मैनेजमेंट का काम करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हमें पेरोल फीचर्स को इनेबल करना होता है। हम F11 बटन प्रेस करेंगे, अकाउंटिंग फीचर्स में जाएंगे, यहाँ से हम मेंटेन पेरोल फीचर को यस करेंगे। मेंटेन पेरोल फीचर को यस करने के बाद हम इस फीचर्स को एक्सेप्ट कर लेंगे। जैसे ही हम पेरोल फीचर को एक्सेप्ट करेंगे, आप देखो गेटवे ऑफ टैली मेनू में पेरोल इन्फो और पेरोल वाउचर नाम का दो ऑप्शन बढ़ गया। तो हाँ, हम लोग अकाउंट्स इन्फो के साथ तो लेजर बनाए थे, अब हम लोग पेरोल इन्फो के मदद से पे स्लिप जनरेट करने के लिए जो उनके बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं उन्हें तैयार करेंगे। तो चलिए हम पेरोल इन्फो में आते हैं। उसके पेरोल इन्फो में हमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऑप्शन आ रहे हैं जिसमें एम्प्लॉई ग्रुप है, एम्प्लॉई है, यूनिट और अटेंडेंस टाइप है। यूनिट और अटेंडेंस को लेके ये पेरोल मैनेजमेंट का एग्जांपल नहीं है, इसीलिए इन दो ऑप्शन को इस वीडियो में नहीं देखेंगे। इसको छोड़ के फिर बाकी चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी। तो सबसे पहले हमें एम्प्लॉई ग्रुप तैयार को करने को कहा जा रहा है। अब एम्प्लॉई ग्रुप कैसे, तो एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें आपको दिखेगा जो उनका जॉब है वही एम्प्लॉई का ग्रुप हुआ, जैसे मैनेजर का और क्लर्क और पीन। मैनेजर, क्लर्क और पीन, इस तीन तरह के ग्रुप में सारे एम्प्लॉई बटे हुए हैं। तो हम लोग यहाँ पे एम्प्लॉई ग्रुप में आते हैं और ग्रुप तैयार करते हैं। पहला आपका मैनेजर है, सेकंड आपका फिर क्लर्क है, एंड अगला आपका पीन है। हमने ये तीन ग्रुप बना लिया, आप इसे डिस्प्ले में जाके देख भी सकते हैं। आपने तीन ग्रुप बना लिया। तीन ग्रुप बना लेने के बाद अब आपको एम्प्लॉई डिटेल्स देना होता है। तो हम लोग एम्प्लॉई को सेलेक्ट करते हैं और क्रिएट करते हैं। अब एम्प्लॉई का नाम है आपका राकेश शर्मा, E001 मैनेजर है। तो यहाँ पे हमने डाल दिया राकेश शर्मा। यहाँ पे अंडर में क्या है, तो मैनेजर है जो ग्रुप हमें चुनना है। डेट ऑफ ज्वाइनिंग आपको स्पेसिफाई करना है। एम्प्लॉई नंबर जो है आपने वो डालना है, और भी एम्प्लॉई का जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास है उस इंफॉर्मेशन को आपको फिट करना है। डेजिग्नेशन वो मैनेजर ही है। इस तरह से उसका ब्लड ग्रुप, जेंडर आपको मालूम है तो आप जेंडर डालिए। ये सारी इंफॉर्मेशन जो आप यहाँ फिट करेंगे वही आपके इंफॉर्मेशन उसके पेस्लिप रिपोर्ट में आएगा। तो हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि सारी इंफॉर्मेशन हम यहाँ फिट करें। उसके बाद दूसरा एम्प्लॉई हमारा है
मोहित राज हैं, ये भी आपके मैनेजर हैं, ये E0002 है इनका, ये आपके मान लीजिए जूनियर मैनेजर हैं, इनका जेंडर क्या है ये हम देखते हैं, बाकी डेट ऑफ बर्थ वगैरह इन्फॉर्मेशन आप फीड कर सकते हैं। तीसरे एम्प्लॉय की बात करते हैं, तीसरा एम्प्लॉय हमारा सुप्रिया है जो क्लर्क है, हमने उनका भी नाम लिखा, सुप्रिया ये आपकी क्लर्क हैं, आपने इनका एम्प्लॉय नंबर दिया। अब जो भी स्पेसिफाई करें आप, डेजिग्नेशन आपका वो क्लर्क है, बाकी आप डिटेल्स फिट करना चाहें फिट करें, वरना एक्सेप्ट करके आगे बढ़ जाए। सुप्रिया के बाद हमारा अगला है राहुल जो क्लर्क हैं, और फिर रामलाल हैं, हमने यहाँ पर राहुल लिया, राहुल जो कि हमारा क्लर्क ही है, एम्प्लॉय नंबर इनका हम A0005 डाल देते हैं, डेजिग्नेशन क्लर्क हैं, इन्हें भी हमने एक्सेप्ट कर लिया। आप एंटर प्रेस के आगे मूव कर सकते हैं, इंस्टेंट अगर आपको एक्सेप्ट करना हो, मतलब एंटर दबा के आप हर फील्ड पे नहीं जाना चाहते, तो आप कंट्रोल ए भी प्रेस करके सेव कर सकते हैं। उसके बाद आपके एक और है एम्प्लॉई रामलाल हैं, जो कि आपको प्यून है, इनका एम्प्लॉय नंबर A0005 या 6 जो भी आप दे दें, ये प्यून है, बाकी हमने इनका डिटेल्स एक्सेप्ट कर लिए। इस तरह से हम लोगों ने एम्प्लॉयज़ भी बना लिए, आप जाके डिस्प्ले में देख सकते हैं हमने मोहित राहुल राकेश रामलाल सुप्रिया, और उनको हमने सही ग्रुप में भी रखा, एम्प्लॉई और एम्प्लॉई ग्रुप। तो हम लोगों ने पेरोल इन्फो में जाके एम्प्लॉई ग्रुप, उसके बाद एम्प्लॉई बना लिया है। अब हम लोग पेहेड्स तैयार करते हैं। पेहेड्स क्या होता है, तो देखिए जो आप सैलरी स्ट्रक्चर देख रहे थे, इसमें जितने भी उनके अलावेंस हैं बेसिक सैलरी और इनके साथ, ये आपके पेहेड्स कहलाएंगे। जैसे बेसिक सैलरी हो गया, HRA हो गया, DA हो गया, TA, PF, ये सब पेहेड्स कहलाते हैं। तो चलिए हमें इन पेहेड्स को बनाना है। बेसिक सेल नाम का बनाया, अर्निंग होता है, फिक्स्ड रहेगा, ये आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, आपका कैलकुलेशन टाइप क्या है, तो हम लोगों ने इसमें रेट दे दिया है, हर एक का बेसिक सैलरी तो फ्लैट रेट है। कैसे है, तो ये मंथली दिया हुआ है, तो मंथ ले लेंगे, आप राउंडिंग मेथड जो भी चुन लें, नॉट एप्लीकेबल, राउंडिंग नहीं है हमारा। राउंडिंग का मतलब होता है जैसे आपका 48 रुपीज़ 50 पैसा आएगा तो राउंड करके 49 कर देगा, वो राउंडिंग का मतलब हो गया, बेसिक सैलरी हो गया। उसके बाद फिर दूसरा पेहेड्स HRA बनाएंगे, अर्निंग फॉर एम्प्लॉय, फिक्स्ड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज। अब हाउस रेंट अलाउंस कैलकुलेट होगा तो एज कंप्यूटेड वैल्यू चुनेंगे, उसके बाद यहाँ पे हम फार्मूला अप्लाई करने वाले हैं, और स्पेसिफाइड फार्मूला बेसिक सैलरी का ही होगा, कितना परसेंट होगा ये आपको यहाँ देना होगा। तो हम लोगों ने बेसिक सैलरी का कितना रखा है ये हम एक बार देख लेते हैं, तो यस 20% है, तो हम लोग बेसिक सैलरी का यहाँ पर 20% फीड कर देते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसके बाद हमारा अगला है DA, अर्निंग फॉर एम्प्लॉय ही है, ये हमारे बिजनेस में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, ये भी कैलकुलेट होगा ऑन स्पेसिफाइड फार्मूला, और इसमें बेसिक सैलरी का कितना परसेंट होगा, तो आपका DA हम लोगों ने 120% दे रखा है, सो हम यहाँ पे 120% स्पेसिफाई करते हैं। उसके बाद फिर TA आता है ट्रैवल अलाउंस, ये भी अर्निंग है, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, यहाँ आपका एज कंप्यूटेड वैल्यू ही होगा ऑन स्पेसिफाइड फार्मूला, और बेसिक सैलरी का है ये भी होगा आपका, TA भी 20% है। उसके बाद आपका अगला आता है PF, ये आपका डिडक्शन होता है, मतलब एम्प्लॉय के सैलरी से डिडक्ट होता है, ये आपका करेंट लाइबिलिटीज़ है, और ये फिर आपका एज कंप्यूटेड वैल्यू ही होगा, ऑन स्पेसिफाइड फार्मूला होगा, बेसिक सैलरी का यहाँ पे आपका हो जाएगा 25%। इस तरह से हम लोगों ने सारे पेहेड्स बना लिए। आप देखिए डिस्प्ले में जाके हमने बेसिक DA HRA PF TA ये 5 पेहेड्स हैं जिनको हमने तैयार कर लिया। उसके बाद फिर सैलरी डिटेल्स एक्टिवेट हो जाता है, सैलरी डिटेल्स में जाते हैं और सैलरी डिटेल डिफाइन करते हैं। अब सैलरी डिटेल्स डिफाइन करते हैं हम लोग, तो पहले ग्रुप वाइज ले लेते हैं उनका। जैसे मैनेजर के लिए हमने एक स्पेसिफाई कर लिया, यहाँ डेट 1 अप्रैल से है, तो हम लोग यहाँ डेट मेंशन कर देते हैं, जैसे 1 अप्रैल से है। इसमें क्या क्या रखना है, तो बेसिक सैलरी रखना है, बेसिक सैलरी
डीए, एचआरए, पीएफ और डीए, ये सारे फील्ड रहेंगे इसमें मैनेजर के लिए। उसके बाद अगर आप बात करते हैं कलर के लिए, तो कलर के नाम के प्राइमरी ले लेंगे, इसमें भी 1 अप्रैल से लागू होगा। इसमें भी उस क्या क्या चुनना है तो एम्प्लॉय ग्रुप से ही चुन लेते हैं, वहीं से जो कि मैनेजर का था वही इसका भी हो जाएगा, आप इसमें से भी वही चुन सकते हैं। क्लर्क और मैनेजर का हो गया। फिर एक प्यून का आता है, प्यून के लिए भी 1 तारीख है, इनका हम फ्रेश बनाएंगे क्योंकि इसमें उनको बेसिक सैलरी लेना है, फिर एचआरए लेना है, फिर डीए लेना है, फिर पीएफ लेना है। इनका मान लीजिए आप टीए नहीं देने वाले हैं तो इनको नहीं चुनेंगे। अब उसके बाद जब हम लोगों ने ग्रुप्स के लिए डिटेल चुन लिया तो अब ये चीज़ सबके लिए अप्लाई होगा। फिर हम मोहित राज के लिए लेंगे और ये पेरेंट से कॉपी कर लेंगे। अब मोहित का बेसिक सैलरी क्या है, यहाँ पे हमको स्पेसिफाई करना होगा। सो मोहित का बेसिक सैलरी है 6500, सो हमें यहाँ पे 6500 डालना होगा, 6500 हम लोगों को फिट करना होगा, उसके बाद एक्सेप्ट कर लेना होगा। उसी तरह से हमें राहुल का डालना है, राहुल का भी 1 अप्रैल से होगा और इसे भी पेरेंट से कॉपी कर लेते हैं। राहुल का भी बेसिक सैलरी हमें डालना होगा, तो राहुल का बेसिक सैलरी आपका है 5600। एक तो राहुल का आप 5600 एंटर करिए, एक्सेप्ट कर लीजिए। राहुल के बाद फिर आपका राकेश का आता है, राकेश का भी 1 अप्रैल से लागू होगा और ये भी आपका पेरेंट वैल्यू से कॉपी कर लेते हैं सारा इसका पे हेड्स। और बेसिक सैलरी राहुल का है आपका राकेश शर्मा है, तो राकेश शर्मा का है 6000 रुपीज़। यहाँ पर हमने 6000 उनका भी स्पेसिफाई कर दिया, उसके बाद एक्सेप्ट कर लेते हैं। राकेश शर्मा के बाद फिर रामलाल आते हैं, रामलाल का भी 1 अप्रैल से शुरू होता है, इनको भी हम पेरेंट्स से कॉपी कर लेते हैं। बेसिक सैलरी इनका भी कितना है, तो रामलाल का बेसिक सैलरी 5000 है, हम लोगों ने यहाँ पर 5000 चूज कर लिया, इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। इस तरह से आपने फिर सुप्रिया भी बन एक है एम्प्लॉय, इनका भी आप ले लीजिए पेरेंट से और इनका बेसिक सैलरी कितना है 5500, तो हमने इनको भी 5500 डाल दिया। इस तरह से हमने सबका सैलरी स्ट्रक्चर डिफाइन कर दिया। अब पीछे आके डिस्प्ले में देख सकते हैं हर एक का हमने सैलरी स्ट्रक्चर डिफाइन कर दिया। अब वापस आइए, आपने पेरोल्स में एम्प्लॉय ग्रुप, एम्प्लॉय पे हेड्स, सैलरी डिटेल्स ये स्पेसिफाई कर दिया है। अब हम लोग पेमेंट करने जा रहे हैं, वाउचर तैयार करने जा रहे हैं। पेरोल वाउचर में जाएंगे, यहाँ से हम ऑटो फिल करेंगे। क्या तैयार कर रहे हैं, तो सैलरी के लिए। कब से, तो आपको बता दें एजुकेशनल है तो 1/4 से 30/4 नहीं लेगा, लेकिन एक प्रैक्टिस के लिए 1/5 आप चाहें तो 1 मई से आप कर सकते हैं। 1 मई से 31 मई तक का कर सकते हैं। यस, आ गया 1 महीने का। आपको सैलरी किसको देना है, सारे को देना है, तो आप ऑल आइटम ले लीजिए, नाम के हिसाब से दिखेगा। यस, कैसे दोगे आप, बैंक से देंगे कि कैश में, तो कैश में पेमेंट करेंगे, एक्सेप्ट कर लीजिए। देखिए वो सारा सैलरी स्ट्रक्चर का वाउचर अपने आप एंट्री हो गया। अब आप इसको सेव कर लीजिए, आपने पेरोल तैयार कर लिया, सारे एम्प्लॉय का पेरोल तैयार करिए। अब आपकी पेरोल तैयार करने के बाद करना क्या होता है, तो आपको इनका पे स्लिप चेक करना होता है कि हर एक का पे स्लिप जनरेट हुआ कि नहीं, और उसे प्रिंट करके आप उस एम्प्लॉय को देते हैं। डिस्प्ले में जाते हैं, यहाँ से हम पेरोल रिपोर्ट्स में आते हैं, स्टेटमेंट ऑफ पेरोल में आते हैं, यहाँ पे स्लिप पे क्लिक करते हैं। बारी बारी से देखना है तो चलिए ठीक है, हम लोग पहले मोहित का देखते हैं। तो देखिए ये आपका मोहित का पे स्लिप है, जिसमें मोहित का जो डिटेल्स आपने भरा था वो सारे डिटेल्स है। यहाँ पे आपको इंसेंट ये अर्निंग्स है, जिसमें बेसिक डीए, एचआरए, टीए है, और देखिए इधर डिडक्शन है पीएफ। डिडक्ट होने के बाद आपको नेट सैलरी 15,275 रुपीज़ जनरेट हो रही है। ये आपका पे स्लिप है, आप इसकी प्रिंट निकालना चाहें अल्ट पी दबाइए और एंटर दबाइए। आपके सामने जूम कर लेते हैं, ये मोहित राज का पे स्लिप तैयार है। अब आप इसको प्रिंट करिए, सिग्नेचर करके उन्हें दे दीजिए। तो पे स्लिप की ज़रूरत पड़ती है प्राइवेट कंपनी में अगर कोई काम कर रहा है या गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, तो अगर वो कहीं पे किसी चीज़ के लिए अप्लाई करता है तो उसको वो अपना प्रूफ क्या देगा कि हमारी क्या सैलरी है या स्ट्रक्चर क्या, तो इसके लिए पे स्लिप की ज़रूरत पड़ती है।
तो इस तरह से टैली ने पे स्लिप खुद से बना लिया। देखिए उसका फॉर्मेट आपके सामने दिख रहा है। इसी तरह से आप किसी का सुप्रिया का देख रहे हैं, उनका भी पे स्लिप तैयार है। आप सारे का पे स्लिप इंडिविजुअली देख सकते हैं, उसकी प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। तो ये हुआ पेरोल मैनेजमेंट, जिसमें हमने सीखा है इस स्ट्रक्चर पे पेरोल डिज़ाइन करना, पे स्लिप डिज़ाइन करना। आगे हम लोग जब बढ़ेंगे तो हम लोगों को अभी वर्कर के हिसाब से, उनके प्रोडक्शन के हिसाब से या अटेंडेंस के हिसाब से सैलरी देना भी सीखेंगे। तो ये हमारा आज के इस वीडियो में हमने पेरोल मैनेजमेंट फीचर्स को शुरू कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सैलरी अटेंडेंस या प्रोडक्शन के हिसाब से कैसे देते हैं ये चीज़ सीखेंगे। तो ये हुआ आपका पेरोल मैनेजमेंट कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच।